छत्तीसगढ़ जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई है, उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए स्वायत्त रूप से निर्वाचित हो गई है। हो गया भैया, नहीं हुआ है अभी। अरे भाई भाई सामने से बहुत खुश है सरगुजा। अरे आपको भी बधाई भैया, छक्का काफी मारे हैं हम लोग। राम कृपाल जी सिक्स मारे हैं। थोड़ा दूर जाना, साइड जाना। भाई मोदी जी की लहर तो थी ही, इसके साथ साथ कांग्रेस के लोगों ने देखे यहाँ पर जिस तरीके से झूठ बोल के जनता का वोट लिया, और चार महीने में, मैं तो पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि चार महीने में किसी भी सरकार के प्रति जनता का मोह भंग होना। अब देखिए राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी लीड है, हमारी तो सरकार नहीं थी वहाँ पे। मध्य प्रदेश में भी इतनी बड़ी लीड मिली है, छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी लीड मिली है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया? कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोला, उनका झूठ तो स्पष्ट जनता को दिखाई दिया कि ये तो झूठ बोलकर केवल सरकार बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी लहर में ही हम लोग जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अच्छी रणनीति बनाई, कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया और क्षेत्र के लोगों ने चुना। और पहली बार सम्मान्य भाई साहब के आशीर्वाद से भाई साहब राष्ट्रीय राजनीति में है, उन्होंने कहा कि एक महिला को हमको यहाँ पर सामने लाना चाहिए, और मैं आज आप सबके सामने हूँ और आप सब लोगों ने भी सहयोग किया है, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम एक सवाल देखिए, हम सब सारे लोग बहुत खुश हैं और देश की जनता भी खुश है। ये जो चुनाव लड़ा गया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, क्योंकि देश की जनता भी चाहती थी कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेता बहुत एकजुट होकर इस चुनाव को लड़े। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, इस कारण आज इस सरगुजा संसदीय क्षेत्र में एक अच्छे बड़े मतों के अंतर से हम लोग इस चुनाव को जीते हैं। आपको क्या लगा कितने मतों से जीत होगी? नहीं, हम लोग पहले से आसान भी थे कि 1 लाख से ऊपर और अधिक से अधिक और भी हो सकता था, जीतेंगे ऐसा पूरा विश्वास था। शुरू से ही हम लोग सब उत्साहित थे, आसान भी थे, और आज अच्छा परिणाम भी आया है।